हिंदू युवा वाहिनी की एक बैठक का आयोजन बहजोई में किया गया, जिसमें सचिन तोमर ने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने बताया कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, तमाम गैस के कनेक्शन के साथ साथ शौचालय आदि की भी व्यवस्था कराई गई है। इसके अलावा जिन लोगों के पास में रहने के लिए घर नहीं थे, उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मुहैया कराए गए हैं। आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी तरह से कार्य करती रहेगी और आम जनमानस की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। इस मौके पर अखिलेश, अरविंद, टिंकू उपाध्याय के साथ साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे तथा अन्य संगठनों के लोगों ने भी इस सभा में शिरकत की। यहाँ देखा जा रहा है कि लोग अपनी भी समस्याएं सुना रहे हैं। यहाँ पे लोगों ने चर्चा की है कि इस गाँव में ना तो आधार कार्ड किसी के बने हैं और लेटरिन, आवास और जो लोगों की समस्या है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो हिंदू युवा वाहिनी पदाधिकारी पूर्व में यहाँ रहे, वो पदाधिकारी निष्क्रिय हो गए थे, इसीलिए इनकी निष्क्रियता को देखते हुए हमने नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। और जो हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, हमने उनको नियुक्त किया है ताकि क्षेत्र की जो भी समस्या हम